हेलो वर्ल्ड, व्हाट्सअप। मेरा नाम है वाइट फ्रीक और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रजिस्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स की। इस वीडियो में हम रजिस्टर के बारे में क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले कि रजिस्टर क्या होता है, उसका यूनिट, सिंबल और वो पीसीबी पर किस तरह से दिखाई देते हैं, उनके टाइप्स और फिर उसका कलर कोडिंग, टॉलरेंस, एसएमडी रजिस्टर्स के बारे में भी हम देखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक रेजिस्टर होता क्या है? रेजिस्टर एक पैसिव टू टर्मिनल डिवाइस होता है जो सर्किट में यूज़ किया जाता है करंट फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस इमेज में कि हमारा ये जो रेजिस्टेंस है ओम में जिसको नापा जाता है वो एम्पियर यानी करंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसका फ्लो ऑफ करंट रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इसका जो यूनिट है रेजिस्टर का वो है ओम, इसको हम ओम में नापते हैं और ये इस ओमेगा सिंबल से डिनोट किया जाता है। जो सिंबल है रेजिस्टर का, अगर आप सर्किट पे देखेंगे तो वो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर आप शिमेटिक्स देखेंगे तो उसमें आपको ये इस तरीके का नज़र आएगा। फिर ये पीसीबी पर किस तरीके से दिखाई देते हैं रेजिस्टर? दोस्तों, अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए यानी टीएचटी और सिर्फ एसएमडी टेक्नोलॉजी की, तो ये दो तरीके से डिवाइडेड है। एक टीएचटी या पीटीएच, प्लेटेड थ्रू होल या फिर थ्रू होल टेक्नोलॉजी। तो जो टीएचटी वाले कंपोनेंट्स हैं वो इस तरीके से आपको दिखाई देंगे और जो एसएमडी रेजिस्टर्स हैं वो इस तरीके के होते हैं, तो वो आपको पीसीबी पर ऐसे नज़र आएंगे। जैसे R37, R36 हमारे पास सरफेस माउंटेड डिवाइसेज हैं और R27 है हमारे पास थ्रू होल टीएचटी डिवाइस। अब टाइप्स ऑफ टीएचटी रेजिस्टर्स, रेजिस्टर ये किस किस तरह से बांटे गए हैं? इनको ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है फिक्स्ड और वेरिएबल रेजिस्टर्स में। अब जो फिक्स्ड रेजिस्टर्स होते हैं वो आगे भी फर्दर डिवाइडेड हैं कई टाइप्स में, जिनमें से कुछ हैं कार्बन फिल्म रेजिस्टर, दैट इज अगर शॉर्ट में बोलें तो CFR, मेटल फिल्म रेजिस्टर MFR, मेटल ऑक्साइड रेजिस्टर MOR, वायर वाउंड रेजिस्टर WWR। और वेरिएबल रेजिस्टर्स को अगर देखा जाए तो ये हैं जैसे पोटेंशियोमीटर हो गया, थर्मिस्टर हो गया, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर हो गए, और भी हैं पर इस वीडियो में हम बेसिक्स की ही बात कर रहे हैं तो इतना ही देखेंगे। फिर हमारे पास सबसे पहले देखते हैं कि फिक्स्ड रेजिस्टर्स में कौन सा रेजिस्टर किस जगह पे कब यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे MFR का। MFR की पहचान ये है कि उसमें जो नंबर ऑफ बैंड्स होते हैं वो 5 होते हैं, उसकी टॉलरेंस 1% होती है यानी उसका जो टॉलरेंस वाला बैंड होगा वो होगा ब्राउन। फिर जो उसकी वॉटेज है वो है 1/4 वॉट। ये ज़्यादा वॉटेज में भी आते हैं, 1 वॉट 2 वॉट, पर जनरली आपको ये 1/4 वॉट्स में देखने को मिलेगा। फिर आता है CFR, कार्बन फिल्म रेजिस्टर। इसके जो नंबर ऑफ बैंड्स होते हैं वो होते हैं 4। इसकी टॉलरेंस होती है 5% या 10%, क्योंकि इसका जो टॉलरेंस बैंड होगा वो गोल्ड होगा तो 5%, सिल्वर होगा तो 10%। इसकी वोल्टेज भी MFR जितनी है, 1/4 वॉट। फिर अगर हमें 1/4 वॉट से ऊपर यूज़ करना होता है तो हम यूज़ करते हैं MOR, दैट इज़ मेटल ऑक्साइड रेजिस्टर को। इसमें दो तरीके से भी हो सकता है, यानी इसमें 4 बैंड्स भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। इसकी टॉलरेंस जनरली 5 ही % रहती है यानी ±5% ही रहेगी, और जो वोल्टेज है वो है 0.5 वॉट, 1 वॉट 2 वॉट। हम इन वोल्टेज के लिए इसको MOR को यूज़ करते हैं। अगर आपको पता करना है कि ये रजिस्टर कितने वॉट का है तो उसका साइज़ देख के भी आपको पता चल जाएगा। इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है सर्किट बोर्ड पे वो मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में दिखाऊंगा। तो अगर हमें 2 वॉट से ऊपर देखना है यानी 2 वॉट से ऊपर रेजिस्टेंस हमें चाहिए, जो जैसे कि 3 वॉट हो गया, 4 वॉट 5 वॉट, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वायर वाउंड रेजिस्टर। इसमें वायर वाउंड रेजिस्टर काफ़ी बड़ा होता है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो बॉडी पर ही लिखी होती है, इसमें कलर कोडिंग नहीं की जाती है। टॉलरेंस इसका ज़्यादा होता है यानी ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होते हैं, 5%, 10%, 20% नीड के हिसाब से यूज़ करते हैं। अगर आप कुछ पुराने वायर वाउंड रजिस्टर्स को उठाकर देखोगे तो उस पर कई बार होता है JKM लिखा होता है, यानी पहले वोल्टेज दी होगी, फिर वैल्यू दी होगी कि कितने ओम्स का है, फिर उसके बाद टॉलरेंस। कई बार लिखा होगा J या फिर K या फिर M, यानी अगर J है तो 5%, K है तो ±10, M है तो ±20%। वोल्टेज इनको हम ज़्यादा वॉट्स के लिए यूज़ करते हैं यानी जहाँ ज़्यादा पावर इनको झेलनी पड़ेगी, तो जैसे 5 वॉट हो गया और 10 वॉट हो गया, 20 वॉट हो गया, ज़्यादा पावर के लिए। तो अब इनको हमें पहचानना किस तरह है पीसीबी पर, तो वो देखते हैं। तो
जो CFR है, सबसे पहले कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स हैं, वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। इनके चार बैंड्स होते हैं और ये स्किन कलर के दिखते हैं, ठीक है। स्किन कलर के इस तरीके से आप इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। जैसे जो फर्स्ट वाला है वो है येलो, वॉयलेट, ऑरेंज एंड गोल्ड। तो इसमें येलो हो गया हमारा 4, वॉयलेट हो गया 7, ऑरेंज हो गया 3। तो ऑरेंज हो गया हमारे पास मल्टीप्लायर, इसका आ जाएगा 47 किलो ओम्स का। और सिमिलरली इसका आ जाएगा रेड रेड रेड, तो यह आ जाएगा 2.2 किलो ओम्स का। और इस तरह से आप इसकी वैल्यू कलर कोडिंग से निकाल सकते हैं। इसके ऊपर मेरी एक अलग वीडियो है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिर अगर आपके पास आता है MFR, तो MFR इस तरीके के दिखते हैं, ये ब्लू कलर के होते हैं, सियान में भी आते हैं। अगर आपको CFR और MFR में देखना है तो एक मेन डिफरेंस है कि MFR में 5 बैंड्स होते हैं, नंबर ऑफ बैंड्स 1, 2, 3, 4, 5 बैंड्स होते हैं, और CFR में 4 बैंड्स होते हैं, और इनका कलर जो बॉडी कलर है वो भी अलग होता है। फिर आते हैं मेटल ऑक्साइड रेजिस्टर MOR। इनको हम 0.5 वॉट से 2 वॉट के लिए यूज़ करते हैं, और इनका जो सरफेस है वो ज़्यादा शाइनी नहीं होता है, ये थोड़े डल से होते हैं, ग्रेश कलर के। तो आप इनको जैसे ही देखेंगे आप पहचान लेंगे कि एक MOR है। फिर हमारे पास आते हैं वायर वाउंड रजिस्टर। ये वायर वाउंड रजिस्टर कुछ इस तरीके के दिखते हैं। तो अब इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो इनकी वैल्यू हम इन्हीं पर लिख सकते हैं। जैसे 5 वॉट, यानी ये 5 वॉट का है, 100 R, यानी कि ये 100 ओम्स का है, और J, दैट इज़ 5% टॉलरेंस के साथ, ±5% टॉलरेंस के साथ। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं वेरिएबल रेजिस्टर्स को। वेरिएबल रेजिस्टर्स में आ जाता है हमारे पास पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर इस तरीके का दिखता है कुछ। अब इसकी जो ऊपर नॉब है, जब हम इसको रोटेट करेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करेगा कि आपने नॉब को कितना घुमाया है, उस पर डिपेंडेंट। जैसे आपका फ़ैन का होता है रेगुलेटर, उसको भी आप एक तरीके से, वो भी एक पोटेंशियोमीटर ही है। उसको जैसे हम जैसे जैसे उसको टर्न करेंगे वैसे वैसे उसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी, उसके हिसाब से आपका फ़ैन तेज़ या धीमा होगा। फिर हमारे पास आते हैं थर्मिस्टर। इनमें हमें चेंज नहीं करना पड़ता, इनका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बेस्ड होता है, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगा या घटेगा, तो उसके हिसाब से इनके रेजिस्टेंस पे फ़र्क पड़ेगा। ये दो तरीके के होते हैं, NTC एंड PTC। NTC होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, PTC होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। अब जो NTC है उसका क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो कर्व है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसका जो रेजिस्टेंस है वो घटेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो NTC का रेजिस्टेंस घट जाएगा, पर जो PTC में उल्टा होता है, PTC में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो मोस्ट वाइडली हम NTC यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ काफ़ी जल्दी जल्दी गिरता है, तो वैल्यूज़ वहाँ से हमें उठानी, यानी वहाँ से पिक करनी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा ईजी रहती है, इसलिए NTC ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू PTC। अब है दोस्तों हमारे पास LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इनका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लाइट इंटेंसिटी पे, यानी अगर जितनी ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा, और जितनी कम लाइट होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। फिर हमारे पास है कलर कोडिंग चार्ट, वो हमारे थे टाइप्स। अब कलर कोडिंग, जैसे यहाँ 4 बैंड रेजिस्टर है, ये एक CFR है आप देख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ से। कलर कोडिंग चार्ट को आप देखकर और मल्टीप्लायर को यूज़ करके आप पता लगा सकते हैं। और ये MFR है, इसको भी आप कलर कोडिंग चार्ट की मदद से इसकी वैल्यू पता लगा सकते हैं। इसके ऊपर दोस्तों मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉलरेंस। अब टॉलरेंस क्या चीज़ है रेजिस्टर में? रेजिस्टर को अगर आप कभी भी मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो रेजिस्टर की वैल्यू कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगी। जैसे अगर आपको कहा है कि ये 150 किलो ओम्स का है, तो अगर आप उसको मल्टीमीटर पे चेक करेंगे वो थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है, उसके टॉलरेंस के हिसाब से। अगर उसका टॉलरेंस 1% है तो वो उसकी जो वैल्यू है हो सकता है नियर बाय ही आ जाए, पर अगर थोड़े टॉलरेंस ज़्यादा है, जैसे 5% है, यानी ±5% है, तो उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा बड़ी रेंज के बीच में आएगी। तो वो किस तरीके से पता करना है, तो क्या होगा कि सबसे पहले हमें टॉलरेंस देखना है। 5% टॉलरेंस है,
और 150 किलो ओम्स का, यानी ये हमने ये रजिस्टर की वैल्यू निकाल ली है, हमें टॉलरेंस का पता है, कलर बैंड से देखकर हम पता लगा सकते हैं ये सब। उसके बाद जो वैल्यू है उसका हम के हटा देंगे, जस्ट डायरेक्टली 150 का हम 5% निकाल लेंगे, वो आएगा 7.5। उसको हम 150 में से माइनस और 150 में प्लस करके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास इसका एक रेंज आ जाएगा। जैसे इसका आया 150, जो 150 किलो ओम्स का रेजिस्टर था, इसकी जो रेंज आई वो आई 142.5 किलो ओम्स टू 157.5 किलो ओम्स। यानी अगर इस रेंज के बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में अगर इसकी वैल्यू आती है, तो ये वाला रेजिस्टर, जिस भी रेजिस्टर का है ये, चाहे MOR हो, CFR हो, MFR हो, ठीक है, उसको वो हम यूज़ कर लेंगे। कभी भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी, हमेशा एक रेंज के बीच में आएगी टॉलरेंस। इसीलिए हमेशा टॉलरेंस निकाल कर आपको वैल्यू चेक करनी है। और अगर इस रेंज के बाहर, यानी अगर 142 के बदले हो सकता है 141 कुछ आ रही है वैल्यू, या 157 के बदले 158, या फिर 157.9 कुछ आ रही है, तो वो रजिस्टर हम जनरली यूज़ नहीं करेंगे, वो डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि वो उसकी जो टॉलरेंस थी उसके बाहर चला गया है, तो वो रजिस्टर किसी काम का नहीं, उसको फेंक दो। अब बात करते हैं SMD रजिस्टर्स की। SMD रजिस्टर्स इस तरीके से दिखते हैं, इनका पैकेजेस के बेस पे होता है। तो पहले हम इनके पैकेजेस देखेंगे, जनरल पैकेजेस। जनरल पैकेजेस हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आप अपना मदरबोर्ड देखेंगे, या फिर अपना फ़ोन देखेंगे, या फिर कोई भी अपना टीवी हो गया उसका मदरबोर्ड देखेंगे, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें SMD कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अलग-अलग पैकेज साइज़ के रजिस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2512 पैकेज साइज़ का रजिस्टर 1 वॉट का है, 1206 पैकेज साइज़ का रजिस्टर 1/4 वॉट का है, और 0805 1/8 वॉट का है, 0603 1/12 वॉट का है, 0402 1/16, सिमिलरली 0201 1/20 वॉट का है। पर अब ये है क्या, 2512, 1206, 0805, ये चीज़ें हैं क्या? ये साइज़ है पैकेज का, यानी कि जो 25 है वो है 0.25 इंचेस उसकी लेंथ, और 0.12 इंचेस उसकी विड्थ रजिस्टर की। तो आप सोच सकते हैं काफ़ी छोटा रजिस्टर है, ठीक है, पर जो 0201 है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इससे तो बहुत ही ज़्यादा, 2512 से तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। तो अगर आप देखें तो इस तरीके से आपको दिखेंगे, यानी 25, 12, 12, 10। पर इनका जो पैकेज साइज होता है दोस्तों, वो जनरली रजिस्टर पे नहीं लिखा होगा, SMD रजिस्टर्स पे, इस पे इसकी वैल्यू लिखी होगी। इस तरह नहीं लिखी होगा कि 2512 अगर पैकेज साइज है, वो पैकेज साइज में कंफ्यूज मत होना, वो उसकी वैल्यू लिखी होगी। तो ये जो 25 यहाँ लिखा है, ये है इसकी लेंथ 0.25 इंचेस, और 12 इसका है विड्थ 0.12 इंचेस, ये इंचेस में है। जैसे ये 0402 है, तो 04 इसका 0.04 इसका लेंथ है, और 0.02 इसकी साइज है विड्थ। इस तरीके से आप अगर इन पैकेजेस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर हमारे पास है कि SMD रजिस्टर्स की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करनी है। पर इसमें भी हमारे पास SMD रजिस्टर फर्दर दो तरह से आते हैं, वो आते हैं 3 डिजिट्स में और 4 डिजिट्स में। तो इनकी टॉलरेंस डिपेंड करती है कि कितने डिजिट का है, इसलिए तो अगर वो 3 डिजिट के हैं तो उनकी टॉलरेंस है ±5%, और अगर वो 4 डिजिट्स के हैं तो उनका जो टॉलरेंस है वो है ±1%। तो 3 डिजिट के आप देख सकते हैं, इस तरह से लिखा होगा 205, 101, 100, या फिर अगर यहाँ 4 डिजिट्स के हैं तो R100, 5R60, या फिर 2262, इस तरीके से लिखा होगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये इसका पैकेज साइज नहीं लिखा है, ये इस रजिस्टर की वैल्यू लिखी है। पिछले में सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए था कि कौन सा पैकेज साइज कैसा दिखता है। अब हमारे पास है कि इसकी वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है वो 3 डिजिट का है या 4 डिजिट का है। अगर वो 4 डिजिट का है तो जो पहले 3 डिजिट्स हैं वो हमारे नंबर हैं, वो बन जाएगा, जैसे यहाँ 1333 है, तो इसके जो पहले 3 डिजिट्स 133 है, ये बन जाएगा 133, और जो लास्ट डिजिट बचेगा वो होगा मल्टीप्लायर, वो हो जाएगा 10^3। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1,33,000। इसको हम फिर डिवाइड कर देंगे 1,000 से, और हमारे पास आ जाएगा 133 किलो ओम्स का।
इसकी इस रेजिस्टर की वैल्यू है 133 किलो ओम्स, पर अब जब मैं इसको मल्टीमीटर से चेक करूंगा तो इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी, 133 किलो ओम्स नहीं शो करेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे शो करेगा। तो उसके लिए हमें ये सही है रेजिस्टर या नहीं वो चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा टॉलरेंस, कि इसका टॉलरेंस कितना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो वो हम निकाल लेंगे। अब इसका क्योंकि ये 4 डिजिट का है तो इसकी जो टॉलरेंस होगी वो होगी 1 ± 1%, तो 1/100 × 133, तो हमारे पास इसका 1.33 आ जाएगा। फिर जब हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास एक रेंज आएगी 131.67 किलो ओम्स to 134.33 किलो ओम्स। अगर इस रेंज के बाहर जाती है इसकी वैल्यू, या 131.67 से कम होती है या 134.33 से ज़्यादा होती है, तो हम इस रेजिस्टर को यूज़ नहीं करेंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। फिर अगर 3 डिजिट का SMD रेजिस्टर है हमारे पास, जैसे 102 यहाँ पे एग्जांपल के लिए, तो इसमें जो पहले 2 डिजिट्स हैं ये नंबर बनाएंगे, दैट इज़ बेसिकली 10, और मल्टीप्लायर तीसरा डिजिट 2 ये हमारे पास होगा मल्टीप्लायर, तो ये बन जाएगा 10^2, 10 × 10^2, ये हो जाएगा 1000 ओम। अब क्योंकि ये 1000 का है, 4 डिजिट में चला गया है, तो हम इसको 1000 से डिवाइड करके किलो में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 1 किलो ओम्स का रेजिस्टर है। अब इसकी जो टॉलरेंस है वो है ±5%, क्योंकि ये 3 डिजिट का है, तो इसकी टॉलरेंस हम निकाल लेंगे, दैट इज़ 5/100 × 1000। अब क्योंकि 1 का निकालेंगे तो उसमें थोड़ा डेसिमल में जाएगा, तो उससे अच्छा है हम इसी तरह निकाल लें इसको ओपन करके, तो यहाँ 50 आ जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, तो उसका जो मिनिमम रेंज है, रेंज में जो मिनिमम वैल्यू है वो है 950 ओम्स, और जो मैक्सिमम है वो है 1050 ओम्स या फिर 1.05 किलो ओम्स का, ठीक है। तो अगर इसके बाहर ये जाएगा तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, इसके इस वैल्यू के बीच में है तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि हम डेसिमल को किस तरह से डिनोट करते हैं। तो डेसिमल डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं आर को, जैसे यहाँ लिखा है 2R2, इस रजिस्टर पे लिखा है 2R2, तो इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है वो है 2.2 ओम। अब आर जहाँ भी लग जाएगा, जिस पॉइंट पे लग जाएगा, जिस जगह पर, जैसे 2 और 2 के बीच में है, तो ये यहाँ पे आर की जगह डेसिमल पॉइंट लग जाएगा और वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। इसमें मल्टीप्लायर हम नहीं लेंगे। अभी ये तो 3 डिजिट का है, पर अगर 4 डिजिट का हो जाएगा तब क्या होगा? जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए 2R23 है, तो क्या होगा? तो जहाँ पे आर लगा है वहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और इसमें मल्टीप्लायर हम नहीं लेंगे, ये जो बाकी भी नंबर्स होंगे वो उसके डेसिमल के बाद के हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2.23 ओम्स। अगर आर होता 2R3 होता तब ये बन जाता 22.3 ओम्स का, यानी 22.3 ओम्स का, इस तरीके से। ये तो था दोस्तों हमारे जो पुराने SMD रजिस्टर्स थे उनके बारे में, पर अभी एक नया कोडिंग सिस्टम भी है जिसका नाम है EIA 96 कोड। ये 3 डिजिट्स का कोड है, नॉट डिजिट्स बट 3 कैरेक्टर कोड्स का है। तो इसमें जो पहले 2 डिजिट्स होते हैं वो नंबर होते हैं, और जो तीसरा होता है वो लेटर होता है, डिजिट नहीं होता है। तो क्या होगा कि जो पहले 2 नंबर्स हैं, जैसे 01 हुआ, 10 हुआ, ये सब डिनोट करते हैं नंबर्स को, इसकी अलग से वैल्यू है, और जो इसके जो लास्ट का लेटर है वो डिनोट करता है एक मल्टीप्लायर को, जैसे ZYRXS, ठीक है, जैसे Z है 0.001 और Y या R है 0.01, X या S है तो 0.1, इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये है मल्टीप्लायर का चार्ट, और मैं आपको अब शो कर देता हूँ वैल्यू का, फर्स्ट जो पहली 2 डिजिट्स होंगे उसका चार्ट। तो ये वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर है हमारा कोड जो होगा एक्चुअली रजिस्टर पे जो प्रिंटेड होगा वो होगा 01 02 03, ठीक है, इस तरीके से। और ये ऑरेंज, थोड़ा सा लाइट ऑरेंज कलर में है, 100 102, ये 01 की वैल्यू है। अगर 01 है तो 01 की जगह हम 100 लगाएंगे, फिर मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऐसे आपको समझ नहीं आया होगा, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं 10Y, अगर किसी SMD रजिस्टर पे लिखा हुआ है 10Y, तो वो क्या होगा? तो 10 की वैल्यू आप इस चार्ट में देख सकते हैं, या फिर आप इसको पूरा याद भी कर सकते हैं। तो 10 की जो वैल्यू है वो है 124, और वाई,
तो जो वाई का मल्टीप्लायर है वो है 0.01, तो क्या होगा, 10y ये बन जाएगा 124 मल्टीप्लाई 0.01, यानी वाई की जो वैल्यू है मल्टीप्लायर में जो वैल्यू है वाई की वो लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.24। सिमिलरली 01c का है, 01 का है 100 और c का जो मल्टीप्लायर है वो है 100, तो क्या होगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कैलकुलेट बन होकर बनेगा 10 किलो ओम्स का। सिमिलरली 40x का है और 75c, इस तरीके से। अगर कोई आप EIA 96 का कोड देखते हैं तो उसके लिए आप ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह सिंपल इस टेक्निक की मदद से भी आप निकाल सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।